नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से है, जहां एक बार फिर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर काफी समय से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले के पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के थाना तिकुनिया पुलिस ने काफी समय से गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25,000 के इनामी अभियुक्त घनश्याम पुत्र टीकाराम निवासी तकिया पुरवा थाना तिकुनिया को बीते देर शाम बेलराया गेट के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सातिर किस्म का बदमाश है, जिसके विरुद्ध पूर्व में हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, बलवा आदि के 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। इस संबंध में क्या कहा एसपी सत्येंद्र कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी जिले से फारूक हुसैन की रिपोर्ट। थाना तिकुनिया जनपद लखीमपुर खीरी की पुलिस ने आज 25,000 रुपए का इनामी गैंगस्टर घनश्याम पुत्र टीकाराम निवासी तकिया पुरवा को एक अवैध देसी तमंचे तथा 2 अदद जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस इनामिया गैंगस्टर के ऊपर जनपद के विभिन्न थानों में 8 मुकदमे पंजीकृत हैं।